हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग आज के वीडियो में हम देखेंगे ई रिलेटेड वर्कशीट्स ये सभी वर्कशीट्स एल एंड यू क्लास के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं सो so, अगर आपका बच्चा एल या यू क्लास में है तो आप इन वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करवा सकते हैं और वर्कशीट्स अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो so, चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट्स फर्स्ट है नेशनल सिंबल्स। फर्स्ट है इसमें कलर द नेशनल फ्रूट ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री का जो भी नेशनल फ्रूट है उस फ्रूट को हमें यहाँ पे कलर करवाना है सो so, ये है पाइनएप्पल एप्पल एंड मैंगो सो so, मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट है सो so, यहाँ पे हम मैंगो को कलर करवा देंगे नेक्स्ट इज़ कलर द नेशनल सिम्बॉल ऑफ द रूपी ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री का जो नेशनल करेंसी है रूपी उसके सिम्बॉल को यहाँ पे कलर करवाना है तो यहाँ पे ये है रूपी का सिम्बॉल तो इसको हम कलर करवा देंगे नेक्स्ट इज कलर द नेशनल फ्लावर ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर कौन सा है लोटस है सो so, लोटस ये है इस पिक्चर को हमें कलर करवाना है नेक्स्ट इज टिक रो यहाँ पे फोर रो है इन फोर रो में हमें देखना है कि कौन सी पिक्चर डिफरेंट है उस पिक्चर को हमें टिक करवाना है सो so, फर्स्ट हम देखें ये है स्टाफिश ऑक्टोपस हैं एंड क्रैप सो so, यहाँ पे हैंड डिफरेंट है बिकॉज स्टाफिश ऑक्टोपस और क्रैप तीनों जो है वो वाटर एनिमल है हैंड वाटर एनिमल में नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे हैंड को टिक करवा देंगे नेक्स्ट पिक्चर की हम बात करें यह सैंडविच ये कोई ड्रिंक है ये फ्रेंच फ्राइज और ये है पिज्ज़ा तो सैंडविच को फ्रेंच फ्राइज़ को और पिज्ज़ा को हम खा सकते हैं बट ये जो ड्रिंक है ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा नेक्स्ट इज़ यह पेंसिल कंप्यूटर बुक्स और ये है स्विंग सो पेंसिल कंप्यूटर्स एंड बुक्स ये तीनों ही क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स हैं और स्विंग जो है वो प्लेग्राउंड का ऑब्जेक्ट है सो so, यहाँ पे जो प्लेग्राउंड का ऑब्जेक्ट है स्विंग उसको हम टिक करवा देंगे ये डिफरेंट है यहाँ पे नेक्स्ट इज़ पॉमाग्रेनेट पीयर ग्रेप्स एंड गुआवा सो यहाँ पर पीयर ग्रेप्स और गुआ जो है ग्रीन कलर के फ्रूट है कॉम्ब्रेट जो है वो रेड कलर का फ्रूट है तो ये जो है डिफरेंट है इसलिए इसको हम टिक करवा देंगे नेक्स्ट इज़ राइट यस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग येस ओ नो यहाँ पर लिखना है सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वी शुड जम्प ऑन द बेंचेस इन द क्लास रूम क्या हमें क्लास रूम की बेंचेस के ऊपर जम्प करना चाहिए सो so इसका आंसर हो जाएगा नो सो यहाँ पे हम लिख देंगे नो नेक्स्ट इज वी शुड बोर्ड और लीव द बस इन अ क्यू हमें बस में चढ़ना और उतरना हमेशा एक लाइन में चाहिए सो so ये सही है गलत है सो ये स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस yes. वी शुड टच द स्विचेस विद वैट हैंड क्या हमें गीले हाथों से स्विचेस को टच करना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा नो नेक्स्ट इज वी शुड क्रॉस द रोड ऑनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग हमेशा हमें जीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए ये नेक्स्ट इज वी शुड प्ले क्रिकेट इन साइड अर हाउस हमें हमेशा हाउस के अंदर ही क्रिकेट प्ले करना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा नो नेक्स्ट इज वी शुड प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड सीजर्स क्या हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करना चाहिए आंसर होगा इसका नो नेक्स्ट इज कलर द सर्कल्स विद द कलर्स शोन इन द बकेट मैच द थिंग्स टू द सर्किल अकॉर्डिंग टू द कलर एंड कलर दैम यहाँ पे क्या करना है ये कुछ बकेट्स बनाई गई हैं उन बकेट्स में कलर दिखाया गया है कि कौन से बकेट में कौन सा कलर है सो सबसे पहले इन सर्कल्स जो है इसके पास में जो बने हुए हैं उनको उसी सेम कलर से कलर करना है जो कि बकेट में है इसके नियर जो बकेट है उसमें येलो कलर है तो यहाँ पे हम येलो कलर फिल कर देंगे ये रेड है तो इसमें रेड कलर फिल करना है ये ब्राउन है तो ब्राउन कलर फिल करना है ग्रीन में ग्रीन एंड ये ब्लैक है तो इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे नेक्स्ट है मैच द थिंग्स टू द सर्कल्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स एंड कलर दैम यहाँ पे कुछ थिंग्स भी हैं इनसे रिलेटेड सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी थिंग किस कलर से मैच हो रही है जैसे ये है लीफ तो लीफ हमेशा ग्रीन कलर की होती है तो हमें क्या करना है इस थिंग को इस लीफ को किससे मैच करना है ग्रीन कलर के इस सर्कल के साथ में मैच करना है तो यहाँ पे हम इससे मैच करवा देंगे इसको और साथ ही साथ इसके अंदर कर देंगे हम ग्रीन कलर सो तो इस तरह से हम ग्रीन कलर यहाँ पर फिल करवा देंगे नेक्स्ट है ये लेमन लेमन होता है येलो कलर का तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे इस वाली बकेट के साथ में नेक्स्ट पिक्चर है क्रो की क्रो होता है ब्लैक कलर का सो so यहाँ पे इस सर्कल के साथ में मैच कर देंगे क्रो को दिस इज टमेटो टमेटो होता है रेड कलर का सो so यहाँ पे मैच होगा टमेटो नेक्स्ट इस लॉग लॉग होता है ब्राउन कलर का तो इसको ब्राउन कलर के बकेट के साथ में मैच कर देंगे और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं इन ऑब्जेक्ट्स पे हमें कलर भी फिल कर रहे हैं लेमन है तो येलो कलर करेंगे क्रो है तो आ, ब्लैक कलर करेंगे टोमेटो में रेड कर देंगे और लोब के अंदर हम लोग करेंगे ब्राउन कलर नेक्स्ट इज सर्किल द सीडलेस फ्रूट्स ओनली यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स बनाई गई हैं इनमें सिर्फ हमें उन्हीं पिक्चर्स को उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करना है जिनमें कोई भी बीज नहीं होते हैं जिनमें कोई भी सीड नहीं होते हैं सो फर्स्ट हम देखें बनाना बनाना में कोई भी सीड नहीं होते हैं तो इसको हम सर्किल करवा देंगे नेक्स्ट पिक्चर है पपाया पपाया में मैंने सीड्स फूट है ग्रेप्स ग्रेप्स में भी सीड्स नहीं होते हैं सो ग्रेप्स को हम सर्किल करवाएंगे दिस इज पीयर पीयर में भी सीड्स होते हैं एप्पल एप्पल में भी सीड्स होते हैं मैंगो मैंगो में भी वन सीड होता है वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं स्ट्रॉबेरी में सीड्स नहीं होते हैं तो स्ट्रॉबेरी को हम लोग सर्किल करवा देंगे नेक्स्ट इज वाटरमेलन सॉरी पाइनएप्पल पाइनएप्पल के अंदर भी सीड्स नहीं होते हैं इसको सर्किल कर देंगे तो so, यहाँ पे उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करेंगे जिनमें कोई भी सीड्स नहीं होते हैं नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस विद द कलर्स डेट आर मैंशनड अगेंस्ट दैम देन कलर द रेनबो विद द प्रॉपर कलर्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द कलर इज गिवन एज क्लू यहाँ पे रेनबो के कलर्स के नेम लिखे गए हैं और साथ ही कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं जिस भी कलर का नेम लिखा हुआ इस बॉक्स में उसी कलर को फिल करना है जैसे ये वॉयलेट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे वॉयलेट कलर फिल करवा देंगे इंडिगो लिखा हुआ है तो इंडिगो कलर फिल करवाएंगे ब्लू लिखा है तो ब्लू कलर फिल करवाएंगे ग्रीन लिखा है तो ग्रीन कलर फिल करवाएंगे सो इसी तरीके से कलर्स के नेम के अकॉर्डिंग बॉक्सेस के अंदर कलर फिल करना है इसके साथ ही यहाँ पे रेनबो ड्रॉ किया गया है रेनबो के अंदर कलर्स के नेम के क्लू दिए गए हैं लाइक यहाँ पे रेड के लिए आर लिखा हुआ है ऑरेंज के लिए ओ येलो के लिए वाई ग्रीन के लिए जी ब्लू के लिए बी इंटिको के लिए आई वायलेट के लिए वी सो ये कलर्स के, के clue नेम के क्लू हैं इन्हीं नेम के अकॉर्डिंग इनके अंदर कलर फिल करना है जैसे ये रेड है तो यहाँ पे हम बच्चे से रेड कलर फिल करवाएंगे सो so, इस तरीके से यहाँ पे कलर फिल करवाएंगे ये रेड के अकॉर्डिंग मैंने रेड कलर फ़िल किया हुआ है इसी तरीके से यहाँ पे ऑरेंज फिल करना है येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वॉलेट सो so, ये थी हमारी आज की ई की वर्कशीट्स आई होप आज की वर्कशीट्स भी आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ वर्कशीट्स हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग